हेलो एंड वेलकम टू महामाया सिलेक्शन। आज आप हमारे साथ हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो में, जहां आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन, फॉरेस्ट गार्ड का नोटिफिकेशन। जो भी बच्चे फॉरेस्ट गार्ड के एग्ज़ाम के लिए वेट कर रहे थे, उनका इंतज़ार ख़त्म होता है। उत्तराखंड सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन ने उत्तराखंड में फॉरेस्ट गार्ड के रिक्रूटमेंट के लिए नोटिस निकाला है, जिसमें कि बहुत ही अच्छी संख्या में पोस्ट हैं, काफ़ी सारे पोस्ट हैं और ये रिक्रूटमेंट नोटिस आई है, जिसके बारे में आज हम आपको पूरी डिटेल जानकारी देने वाले हैं। हम बात करने वाले हैं कि इम्पोर्टेंट डेट्स क्या होने वाले हैं, कितना फ़ी लगेगा, फॉर्म को फिल कैसे करेंगे, कौन कौन से लोग फॉर्म को फिल कर सकते हैं, एलिजिबिलिटी क्या है। इसके अलावा हम देखेंगे कि इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए आपका सिलेबस क्या होना चाहिए, इस एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है, हमारी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। तो बिल्कुल डिटेल में हम बात करने वाले हैं, सो आप एंड तक हमारे साथ बने रहिएगा। और उससे पहले, सबसे पहले आप ये काम करें कि हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, और जो हमारे साथ पहली बार जुड़ रहे हैं वो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को, और जानते हैं कि उत्तराखंड सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन की तरफ से निकाले गए फॉरेस्ट गार्ड ग्रुप सी के पोस्ट के लिए क्या खास बात है। तो उत्तराखंड कमीशन ने फॉरेस्ट गार्ड के लिए, यानी कि वन रक्षी के लिए रिक्रूटमेंट नोटिस निकाला है। इसके इम्पोर्टेंट डेट्स क्या है? एप्लीकेशन प्रक्रिया जो है, आवेदन प्रक्रिया, वो 24/8/2021 से शुरू हो रही है, यानी कि 24 अगस्त 2021 से आप फॉर्म भर सकते हैं। लास्ट डेट क्या है? लास्ट डेट है 7/10/2021, यानी कि 7 अक्टूबर 2021 तक आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। एग्ज़ाम फ़ी पे करने की लास्ट डेट है 9/10, यानी कि 9 अगस्त तक आप एग्ज़ाम फ़ी पे कर सकते हैं, और एग्ज़ाम जो है वो आपका दिसंबर 2021 में होगा। सो काफ़ी समय है आपके पास एग्ज़ाम्स के लिए तैयारी करने के लिए। एप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट्स को 300 रुपये, एससी एसटी को 150 रुपये मात्र आवेदन फीस के रूप में देने होंगे। और ये जो आवेदन फीस है वो केवल और केवल डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और नेट बैंकिंग मोड से ही लिया जाएगा, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट डेट्स देख लिए आपने, 24/8 से आपकी एप्लीकेशन जो है वो शुरू हो रही है 24/8 से, और ये कब तक है? ये है 7/10 तक आप अप्लाई कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि कौन कौन से लोग इसके लिए एलिजिबल हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। एज लिमिट की बात करें तो एज लिमिट जो है वो आपका 1/7/2021 पे कैलकुलेट किया जाएगा, और मिनिमम एज यानी कि जो सबसे न्यूनतम एज है वो 18 साल होनी चाहिए, और मैक्सिमम एज जो है वो 28 साल, यानी कि अगर आप 28 साल से नीचे के हैं और 28 साल से ऊपर के हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हैं। 18 से लेकर 28 तक वाले जो भी कैंडिडेट्स हैं वो इसके लिए एलिजिबल हैं। हाँ, एज रिलैक्सेशन भी दी जाएगी सारी कैटेगरीज में, कैटेगरी वाइज जो उनके रूल्स हैं उसके अकॉर्डिंग वो एज रिलैक्सेशन यानी कि उम्र सीमा में छूट भी देंगे। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि वैकेंसीज़ कितनी है। वैकेंसीज़ जो हैं काफ़ी अच्छी संख्या में वैकेंसीज़ आई हैं। वैकेंसीज़ की बात करें तो 894 वैकेंसीज़ हैं, काफ़ी अच्छी संख्या में वैकेंसीज़ निकाली गई हैं उत्तराखंड द्वारा वन रक्षी के लिए, जिसमें जनरल की 473, ओबीसी की 126, ईडब्ल्यूएस की 94, एससी की 164 और एसटी के 37 वैकेंसीज़ हैं, ठीक है। पोस्ट नेम आप यहां पे देख सकते हैं कि 894 वैकेंसीज़ हैं फॉरेस्ट गार्ड के लिए। एलिजिबिलिटी, अब एजुकेशनल एलिजिबिलिटी की बात कर लेते हैं। आपका एलिजिबिलिटी क्या होना चाहिए? आपने क्लास ट्वेल्थ किया हुआ होना चाहिए उत्तराखंड बोर्ड से, या फिर भारत के किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से आपने इंटरमीडिएट की पढ़ाई की होनी चाहिए, ठीक है। हाइट क्या? अब वन रक्षी की परीक्षा है तो कुछ फिजिकल एलिजिबिलिटी भी होगी। हाइट जो है वो मेल की 163 सेंटीमीटर और फीमेल की 150 सेंटीमीटर होनी चाहिए। चेस्ट आपका 5 सेंटीमीटर तक एक्सपैंड करना चाहिए। अब दौड़ की भी परीक्षा होगी तो उसमें पुरुष को 4 घंटे में 25 किलोमीटर और महिला को 4 घंटे में 14 किलोमीटर दौड़ना होगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं कि इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए आपका सिलेबस क्या होगा, यानी कि जो एग्ज़ाम होगा उसमें सवाल क्या पूछे जाएंगे। तो ये आपके सामने है उत्तराखंड का फॉरेस्ट गार्ड सिलेबस का एग्ज़ाम पैटर्न और सिलेबस। सो एग्ज़ाम पैटर्न जो होगा इसमें 3 पेपर्स होंगे, ठीक है। 3 पेपर्स, 3 सेक्शन से सवाल पूछे जाएंगे। पहला आपका हिंदी, दूसरा आपका जीके और तीसरा आपका जीएस, ठीक है।
इन तीनों सेक्शन से ही सवाल पूछे जाएंगे। जनरल हिंदी की बात करें तो प्रोवर्ब्स यानी कि कहावतें, मुहावरे, समानार्थी शब्द, विलोम शब्द, वाक्यों में अशुद्धि पहचानना, फिर शब्दकोश, व्याकरण, रिक्त स्थानों की पूर्ति, ट्रांसलेशन, कॉम्प्रिहेंशन और टेंसेज यानी कि काल से सवाल होंगे हिंदी के पेपर में। जनरल नॉलेज और जनरल स्टडीज की बात करें तो जनरल नॉलेज के सेक्शन में आपसे साइंटिफिक प्रोग्रेस, करेंसीज यानी कि मुद्रा, स्पोर्ट्स यानी कि खेल, कंट्रीज और कैपिटल्स यानी कि राज्य और उनकी राजधानियां, बुक्स एंड ऑथर किताबें और उनके लेखक, नेशनल एंड इंटरनेशनल अवार्ड्स एंड ऑनर्स जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अलग अलग क्षेत्रों में अवार्ड्स दिए जाते हैं उनके बारे में, ज्योग्राफी यानी कि भूगोल, कल्चर एंड ट्रेडिशंस आपसे संस्कृति और ट्रेडिशन से रिलेटेड सवाल, और लैंग्वेज यानी कि भाषा से भी रिलेटेड सवाल जनरल नॉलेज के सेक्शन में पूछे जाएंगे। जनरल स्टडीज़ का सिलेबस देख लेते हैं। जनरल स्टडीज़ में जनरल साइंस जो आपका बेसिक 10th लेवल तक का साइंस होता है वो पूछा जाएगा, उसके अलावा करेंट अफेयर्स, इंडियन नेशनल मूवमेंट, एग्रीकल्चर, इकोनॉमी, नेशनल इंटरनेशनल इवेंट्स और इंडियन हिस्ट्री से भी सवाल जनरल स्टडीज़ में होंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि और क्या है। अब बात कर लेते हैं उत्तराखंड के फॉरेस्ट गार्ड एग्जाम के एग्जाम पैटर्न। 2-stage एग्जाम पैटर्न है। पहले आपका PET होगा, देन आपका रिटन टेस्ट होगा। ठीक है, पहले आपके फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, और अगर आप फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट को क्वालिफाई करते हैं तो आप रिटन एग्जाम के लिए एलिजिबल होंगे और आप रिटन एग्जाम देंगे। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, जैसा कि मैंने आपको बताया था, दौड़ की परीक्षा होगी जिसमें महिलाओं को 5 किलो लोड के साथ 14 किलोमीटर और पुरुषों को 10 किलो लोड के साथ 25 किलोमीटर दौड़ना होगा। 4 घंटे का समय दिया जाएगा। शॉर्ट पुट 7.275 kg का होगा। 5 मीटर तक मेल कैंडिडेट्स को और 3.5 मीटर तक फीमेल कैंडिडेट्स को फेंकना होगा। लॉन्ग जंप की बात करें तो पुरुषों के लिए 4 मीटर और महिलाओं के लिए 2 मीटर का लॉन्ग जंप, और हाई जंप की बात करें तो पुरुषों के लिए 1.10 मीटर और महिलाओं के लिए 0.7 मीटर का हाई जंप करना होगा। आप पहले क्या करेंगे, आप पहले PET एग्जाम में अपियर होंगे। PET क्वालिफाई होगा तो आप रिटन एग्जाम के लिए एलिजिबल हो जाएंगे और फिर रिटन एग्जाम देंगे। रिटन एग्जाम जो होगा आपका 100 मार्क्स का होगा, और 100 मार्क्स में 100 सवाल होंगे, और यहाँ नेगेटिव मार्किंग भी होगी। 1/4 मार्क्स जो हैं आपके काट लिए जाएंगे हर गलत उत्तर के लिए। सो ये था उत्तराखंड सरकार की तरफ से निकाले गए फॉरेस्ट गार्ड एग्जाम के बारे में डिटेल नोटिफिकेशन। एक बार फिर से देख लेते हैं जो इम्पोर्टेंट डेट्स हैं वो क्या हैं। इम्पॉर्टेंट डेट्स, जो एप्लीकेशन शुरू हो रही है वो 24/8 से शुरू हो रही है और लास्ट डेट आपका 7/10 है। ठीक है, सो ये रहा इम्पॉर्टेंट डेट और इससे रिलेटेड सारी जानकारी हमने इस वीडियो में दे दी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस एग्ज़ाम के बारे में पता लगे। और आप अगर हमारे साथ पहली बार जुड़े हैं तो महामाया सिलेक्शन को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।